डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स की। अभी हमने डिस्कस किया था आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद आता है मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म? ये भी एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म या मेटामेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बात किए थे फंक्शनल ग्रुप की, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है, एकदम सिंपल सा फंडा। इसमें क्या होता है, इस आइसोमेरिज्म में जो हमारा जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं वो सेम होमोलॉगस सीरीज में रहते हैं, होमोलॉगस सीरीज में रहते हैं, लेकिन डिफरेंट करेंगे एल्काइल ग्रुप। जो हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो एल्किल ग्रुप हो गए, वो डिफरेंट हो जाते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन यही है, डिफरेंशिएट इन एल्किल ग्रुप्स। एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म में सेम होमोलॉगस कंपाउंड रहेंगे, होमोलॉगस सीरीज में रहेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट इन एल्किल ग्रुप। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ईथर को ले लीजिए, कौन एक कंपाउंड को लेते हैं, CH3O, CH2 एंड CH3, ठीक। ये क्या हो गया, मेथाइल एथाइल ईथर, एथाइल मेथाइल। एक तरफ एथाइल कंपाउंड लगा है, एक तरफ मेथाइल कंपाउंड लगा है, इथाइल मेथाइल ईथर। अब दूसरा ईथर लेंगे CH3O एंड CH3। अब ये क्या हो गया, डाई मेथाइल ईथर, डाई मेथाइल ईथर। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें क्या हुआ, एथाइल मेथाइल ईथर और डाइएथाइल ईथर दोनों एल्किल ग्रुप एकदम डिफरेंशिएट है। इधर देखिए ये एथाइल एल्किल ग्रुप है, इधर मेथाइल एल्किल ग्रुप है। तो क्या बात करेंगे, डिफरेंशिएट इन एल्किल ग्रुप, जिसमें एल्किल ग्रुप का डिफरेंशिएशन होता है वो कौन सा मेरिज्म कहलाता है, मेटामेरिज्म। आप एग्जाम्पल, आप मैं एक एग्जाम्पल आपको और देखिए बताता हूं। ये एथाइल मेथाइल ईथर, अब इसी में लेते हैं प्रोपाइल इथाइल ईथर, आइसो प्रोपाइल ईथर। ये देखिए CH2 एंड CH3, एक मेथाइल सब्स्टिट्यूट यहां पे लगाएंगे, आइसो प्रोपाइल ईथर। क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल ईथर। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएट इन एल्किल ग्रुप, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स मेटामेरिज्म। तो क्या बात हुआ, आइसोमेरिज्म में टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे आइसोमेरिज्म की, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें कई चीजें आती हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समथिंग एस। तो आज की मुलाकात यहीं तक, थैंक यू।